जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों इस वक्त दोस्तों मैं अयोध्या में, और अयोध्या में दोस्तों मैं इस वक्त अमावा राम मंदिर दोस्तों पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर है, जो उनके द्वारा संचालित है। और यहाँ पर दोस्तों भंडारा चलता है, यहाँ पर निःशुल्क आप भोजन कर सकते हो। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, श्री राम जी को समर्पित ये मंदिर है दोस्तों। दोस्तों अभी हम बाहर खड़े हैं, क्योंकि अभी जो लोग अंदर गए हुए हैं वो अभी भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों सभी लोग खड़े हैं बाहर। तो एक साथ दोस्तों जैसे ही अंदर से वो हॉल खाली होगा तो हम लोग सभी अंदर चले जाएंगे। हॉल के अंदर दोस्तों 2,000 से 2,500-3,000 तक लोगों के बैठने का प्रबंध है दोस्तों, इतना बड़ा हॉल है अंदर। और दोस्तों सभी लोग अभी खड़े हैं और लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और जैसे ही हॉल खाली होता है तभी सभी लोग अंदर चले जाएंगे। ये मंदिर दोस्तों अमावा राम मंदिर दोस्तों अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके बिल्कुल पास ही है। जब आप राम मंदिर देखने जाते हो तब ये रास्ते में पड़ता है मंदिर। ये है दोस्तों राम मंदिर जो निरंतर चलती रहती है, और यहाँ से दोस्तों हमें अंदर जाने के लिए टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि टोकन इसलिए लेना पड़ता है ताकि ये पता चल सके कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहीं के हैं या बाहर के। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, और दोस्तों देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, और अभी सभी लोगों को थालियाँ दी जाएंगी। और दोस्तों देखिए कितना बड़ा हॉल है, और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है और ये भोजन बिना किसी दान के होता है। यहाँ पर दोस्तों इस मंदिर की एक खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर किसी तरह का कोई दान लिया नहीं जाता। दोस्तों इस वक्त हम दोस्तों अयोध्या में, अयोध्या में दोस्तों हम हमारा मंदिर जी हैं, और हमारे साथ हैं पंकज जी। तो पंकज जी हमें थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे, ये कहाँ से संचालित हो रहा है और कौन संचालित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भंडारा चलता रहता है, आप निःशुल्क यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। तो पंकज जी हमें थोड़ा बताएंगे। तो पंकज जी थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में, और ये कहाँ संचालित हो रहा है, और भंडारा यहाँ पर कब तक चलता है, और कब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था हमारा। ये राम रसोई आचार्य किशोर कुणाल द्वारा संचालित है,
जो पटना महावीर मंदिर के सौजन्य से यहाँ पर प्रतिदिन राम लला के दर्शनार्थियों के लिए 10 प्रकार के व्यंजन राम भक्तों को परोसे जाते हैं। प्रतिदिन 3,000 से 4,000 लोग यहाँ पर राम रसोई का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यह मावा राम मंदिर 1919 में निर्मित है, 1919 में ये बना था, और यह राम रसोई 1 दिसंबर 2019 से आरंभ हुई है, जो निरंतर लगातार राम भक्तों को सेवा में तत्पर है। तो ये कहाँ से चल रही है राम मंदिर, कहाँ से चल रहे हैं? अभी आपको सबसे पहले बताया आचार्य किशोर कुणाल पूर्व IPS, ठीक है ठीक है, गुजरात कैडर के हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालित है, जिसका खर्च महावीर मंदिर पटना वहन करती है। ठीक है, तो ये भंडारा कितने से बजे शुरू होता है? 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राम रसोई का कूपन मिलता है। जितने लोग कूपन ले लेते हैं वो 4 बज जाए, 3:30 बजे या 4:30 बजे तक ये चलाया जाता है। थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमारे साथ पंकज जी थे जो कि यहाँ पर मंदिर में रहते हैं, तो उन्होंने हमें जो संपूर्ण जानकारी दी है मंदिर की। अमावर राम मंदिर है दोस्तों ये, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं अगर आप यहाँ अयोध्या में हो तो, और काफ़ी पुराना मंदिर है दोस्तों ये। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि क्योंकि अयोध्या में काफ़ी लोग आते हैं जिनको नहीं पता है कि फ्री में अगर खाना खाना है तो कहाँ पर जाए, तो उसके लिए मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाई थी। और जो अंदर का दोस्तों लंगर है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया दोस्तों, वो कि लंगर में 10 प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर राम रसोई में दोस्तों टोकन इसलिए दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि श्रद्धालु कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल लोग आते हैं जो कि मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं दोस्तों, उनका कहना है कि दोस्तों ये जो भंडारा है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो अयोध्या से बाहर के हैं, जो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं श्री राम जी के, ये भंडारा उनके लिए है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टोकन की सुविधा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।